स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल द जाफा पे। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका का जो मैच होने वाला है ईडन गार्डन्स में उसकी। तो आगे बढ़ने से पहले यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, 96 पे बैठा हूँ मैं, बहुत टाइम से सेंचुरी नहीं हो रही है मेरी, वो करवा दो। वीडियो लाइक कर दो, कमेंट में जो भी आपके प्रेडिक्शन है बिल्कुल डालें, उस पर हम बात करेंगे। तो इंडियन टीम आ गई है कोलकाता, बहुत ही अच्छा स्टेडियम है ईडन गार्डन्स, एक सुंदर मैदान माना जाता है। कोलकाता आ गई है और इनका मैच है साउथ अफ्रीका से। तो दो इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम्स भिड़ेंगी, नंबर वन और नंबर टू, दो कमाल के पेस अटैक भिड़ेंगे, दो कमाल के बैटिंग लाइनअप्स भिड़ेंगे। तो आज का मैच एक मज़ेदार गेम हमें देखने को मिल सकता है। और मोहम्मद शमी जिनकी मैं बिल्कुल बात करूँगा, अपने घर वापस आ गए, कोलकाता वापस आ गए। वैसे तो ये उत्तर प्रदेश से हैं पर इन्होंने बहुत क्रिकेट खेला है वेस्ट बंगाल से, कोलकाता में बहुत खेले हैं और कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, जो अननोटिस नहीं जाना चाहिए यार। 3 मैच में 14 विकेट, इतने कमाल के नंबर्स हैं इनके वर्ल्ड कप में। मेरे ख्याल से जहीर खान को पीछे कर दिया इन्होंने, इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं वर्ल्ड कप में। और सारे गेम खेलते तो मैं कहूँगा टॉप 5 में भी चांस था जगह बनाने का, पर कोई नहीं यार, ये रिकॉर्ड बनते रहेंगे, मेन एम हमारा कुछ और है। तो शमी आ गए अपने घर में, एक पुराना रिश्ता है शमी का बंगाल से, दो हैं, हमें एक की बात करेंगे। तो जब यूपी अंडर 19 टीम में जगह नहीं मिली थी शमी को, तो इनके कोच ने एडवाइस दी थी कि आप जाके वेस्ट बंगाल से क्रिकेट खेलें। वहाँ शमी गए, नई जगह थी, किसी को ज़्यादा जानते वानते नहीं थे, बचपन से यूपी में ही रहे थे तो बिल्कुल मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ परफॉर्म किया इन्होंने जहाँ भी इनको मौका मिला, जिस भी लीग्स में खेल रहे थे, जो भी टूर्नामेंट्स खेल रहे थे। और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, इनको कॉल अप आया बंगाल की, वेस्ट बंगाल की रणजी कैंप से, पता लगा कि कुछ बड़े बैट्समैन आए हैं वहाँ, उनको नेट्स में बॉलिंग डालने का मौका मिलेगा। पर इनको शायद ये नहीं पता था कि सौरव गांगुली भी वहाँ होंगे, ऐसा एक किस्सा मैंने सुना है, अभी पढ़ा है काफ़ी आर्टिकल्स उस पर। तो इन्होंने नेट्स में गांगुली को बॉलिंग डाली, दादा को, तो दादा काफ़ी इंप्रेस हो गए थे इनकी बॉलिंग से, काफ़ी बार बीट कर दिया था। और उन्होंने फिर अथॉरिटीज़ को बोला कि इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये अच्छा बॉलर बनेगा इंडिया के लिए, पहचान लिया होगा भाई, बड़े प्लेयर हैं, कैप्टन रह चुके हैं तो टैलेंट की थोड़ी समझ होती है उनको। फिर यहीं धीरे धीरे शमी को मौका मिला बंगाल की रणजी टीम में, वहाँ भी इन्होंने अच्छा किया। फिर 2011 में केकेआर के लिए नेट बॉलर बन गए ये, और जो उस टाइम केकेआर के बॉलिंग कोच थे, शमी खुद बताते हैं कि वसीम अकरम 2011 में केकेआर के बॉलिंग कोच थे, उन्होंने भी काफ़ी शमी को हेल्प करा है अपनी बॉलिंग सुधारने में। तो आज इन्हीं सब चीज़ों का जो एक बेनिफिट इंडियन टीम को मिल रहा है, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं चाहूँगा कंटिन्यू रखे ये परफॉर्मेंस, ऐसी फास्ट बॉलिंग मैंने बहुत कम देखी है अपनी लाइफ में, कि इतना खतरनाक कोई बॉलर हो जा रहा है, विकेट पे विकेट लिए जा रहा है यार, 3 मैच 14 विकेट 2 5 ओवर, कमाल की बॉलिंग। अब मैच पे आ जाते हैं हम, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसकी। तो पहले साउथ अफ्रीकन टीम की बात करेंगे, कमाल की फॉर्म में है, इनकी बैटिंग देख लो, डीकॉक सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा है, बफूमा थोड़ा कम चले हैं पर वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते भाई, कभी ये रन बना देता है। इंडिया के सामने जब इंडिया गई थी तो अच्छा खेला था ये साउथ अफ्रीका में, क्या पता आज आ जाए इसके बैट से रन। स्टार्ट अच्छे मिल रहे हैं पर उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। डूसेन, मार्करम, क्लासेन सब अच्छी फॉर्म में, मिलर की इतनी बैटिंग नहीं आई है लेकिन ये भी खतरनाक बैट्समैन है, और इंडिया के सामने अच्छा लगभग चल जाता है ये भाई, बहुत मारते हैं इंडिया को। फिर नीचे आ जाए यानसेन, तो बैटिंग लाइनअप कमाल का है इनके पास, बॉलिंग भी बहुत फॉर्म में है, मार्को यानसेन, रबाड़ा, एनगीडी, कोइटजी, केशव महाराज, शमसी, सबको रोटेशन चल रही है इनके में, जैसी पिच होती है उस हिसाब से खिलाते हैं, पर बॉलर इनके डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं। एक मैच हारे हैं उसमें गलती बैट्समैन की थी, चेज नहीं कर पाए थे, बाकी बॉलिंग इनकी टॉप नॉच है। अब हम बात करें तो यानसेन नई बॉल से विकेट्स निकाल के दे रहा है पावर प्ले में, एक एक दो दो, मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में इसी के नाम होंगे सबसे ज़्यादा पावर प्ले विकेट्स, या तो यानसेन होगा या तो बुमराह होगा, पर मुझे लग रहा है जितना कि यानसेन हो सकता है, बुमराह डेथ में भी लेता है विकेट्स, यानसेन के ज़्यादातर पावर प्ले में आ रहे हैं, अच्छा बॉलर है। उसके अलावा कोइटजी की मैं बात करूँगा, आपको बताता हूँ, ये जब से इसने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था तभी से चर्चा में था ये, मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता था, जो जिस वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल वगैरह आए थे शायद उसी में खेला था 2020 के टाइम, तो इसकी काफ़ी तारीफ होती थी, ईएन बिशप और बाकी जो बड़े बड़े क्रिकेट के पंडित हैं आर्टिकल वगैरह डालते रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये पेस सेंसेशन अगला बन सकता है साउथ अफ्रीका की। अभी तक तो इसको जो रोल मिला है वो बहुत अच्छा कर रहा है, इस पर आप इसके नंबर्स पर ना जाएँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों।
ये बॉलिंग करता है मिडल ओवर्स में, थोड़े रन ज़्यादा खाता है, लेकिन इसको जो काम देता है इनका कैप्टन बबूमा वो ये करके देता है, विकेट्स निकाल के दे रहा है मिडल ओवर में। मेरे ख्याल से पेसर्स में इसके सबसे ज़्यादा विकेट हैं, और वहाँ करते हैं जो मैं आपको बार बार बताता हूँ मिडल ओवर्स की इंपॉर्टेंस, वहाँ बड़े बैट्समैन बैटिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जब हम देखेंगे मैच तो लगभग मोस्ट प्रोबेबली जब 20-25 ओवर चल रहे होंगे तो वहाँ विराट कोहली बैटिंग कर रहा होगा, या श्रेयस अय्यर होगा, या शुभमन गिल होगा। तो ये इन टाइप के बैट्समैन की जो मेन बैट्समैन होते हैं टीम के, उनकी विकेट निकाल के देता है अपने कप्तान को। थोड़े रन ज़्यादा खा जाता है, इकोनॉमी 6 की है, लेकिन एक काम करके देता है कि जल्दी आउट करो इनको। और होता क्या है, अगर मेन बैट्समैन जल्दी आउट हो जाए, ये मिडल ओवर्स में डिसाइड होता है टीम कितना टारगेट सेट करेगी, कैसे गेम चलेगा उस हिसाब से। तो यहाँ जल्दी विकेट्स गिर जाए तो टोटल से कुछ नहीं तो 50-40 रन आराम से घट जाते हैं। तो ये ओवरऑल अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है साउथ अफ्रीकन उसमें, कि भले ही रन खा रहे लेकिन विकेट निकाल के दे रहा है। तो टीम बहुत तगड़ी है साउथ अफ्रीका, मज़ा आने वाला है। फ़ोन आ गया था बीच में, तो बिल्कुल साउथ अफ्रीका की जो टीम है बैलेंस्ड है, एक अच्छा कॉन्टेस्ट आज हमें देखने को मिलेगा। अब इंडियन टीम की हम बात कर लें तो कमाल की फॉर्म में, नंबर वन टीम अभी तक चल रही है इस वर्ल्ड कप की, एक भी मैच नहीं आ रही है, सारे बैट्समैन फॉर्म में हैं। मैं कहूँगा यार 11 के 11 खिलाड़ी फॉर्म में हैं, नज़र ना लगे इस टीम को। लेकिन आज एक कड़ा मैच होने वाला है, मैं चाहूँगा कि इंडिया चेज करे आज के मैच में। साउथ अफ्रीका डिफेंड करने में बहुत अच्छा है, तो मैं देखना चाहूँगा इंडिया के बैट्समैन चेज में कैसा खेलते हैं। मार्को यानसेन को लेफ्ट आर्म पेसर इंडिया की कमज़ोरी रही है, पिछले हम दो वर्ल्ड कप के नॉकआउट से देखें तो 2015 में हम पे मिचेल जॉनसन भारी पड़ गया था, 19 में आए तो एक तरफ बोल्ट था, वो मेन विकेट मैं कहूँगा कोहली का बोल्ट ही ले गया था, लास्ट में जडेजा को बोल्ट ले गया था, और मैट हेनरी भी था, लेकिन लेफ्ट आर्म पेसर हमें दिक्कत करते हैं, चाहे वो आमिर हो चाहे शाहीन अफरीदी हो, तो एक कमज़ोरी है हमारे बैट्समैन की। यानसेन को आज देखते हैं कैसा खेलेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, और मूवमेंट बिल्कुल मिलता है इसको, दोनों साइड बॉल ये स्विंग कराता है, तो मज़ा आएगा कॉन्टेस्ट देखने में यानसेन वर्सेस हमारे बैट्समैन। एनगीडी भी हमारे सामने अच्छा करता है, रबाड़ा का मेरे ख्याल से इंडिया के सामने इतना खास रिकॉर्ड नहीं है, पर अगर पिच में बाउंस हुआ तो एक मज़ेदार अगेन कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। अब बॉलिंग पे हम आ जाएं तो शमी, बुमराह, सिराज कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं भाई, देख चुके हैं आप, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, श्रीलंका को सांस भी नहीं लेने दी और वो मैच हरा दिया, उससे पहले इंग्लैंड को भी ज़्यादा कुछ चुंचा नहीं करने दी, 128 कुछ पे निपटा दिया था इंग्लैंड को। तो 11 के 11 लड़के फॉर्म में हैं, मज़ा आएगा मैच देखने में। अब वो तो टॉस पे है ओवरऑल, कौन चेज करता है कौन डिफेंड करता है, पर अंदर से एक दिली इच्छा होती है, मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया आज चेज के लिए जाए, टेस्ट होगा चेज में बिल्कुल, क्योंकि सेमीफाइनल में तो अब आ ही चुकी है इंडिया, कोई हटा नहीं सकता, तो इट विल बी गुड साइट अगर इंडिया चेज करता दिखे कैसा खेलेगा साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप के आगे, तो मज़ा आएगा। क्योंकि साउथ अफ्रीका की पहली जो ये जब बैटिंग करते हैं ना पहली इनिंग में, तब ज़्यादा रन मारते हैं, इस वर्ल्ड कप में हम देख चुके हैं, तो हमारी बॉलिंग भी थोड़ी टेस्ट हो जाएगी। ओवरऑल एक अच्छा मुकाबला है, अच्छा मैच, मज़ा आएगा। 2 बजे से शुरू है, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ये वीडियो जब तक मैं एडिट करूँगा तो 1.5 घंटा रह जाएगा मैच में। तो मिलते हैं मैच के बाद, विन प्रेडिक्शन मैं कहूँगा आज इंडिया ही लग रहा है यार मेरे को, ज़्यादा कमियाँ हैं नहीं, दोनों ही टीम में नहीं है, 50-50 भी कह सकते हैं, पर दिल मेरा इंडिया के साथ है कि इंडिया ही जीतेगी। मिलते हैं भाई, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।